हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर, क्लास 8 मैथमेटिक्स, चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट, एक्सरसाइज 7.2। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें मुझे क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, और कौन से मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट है मेरा क्यूब रूट ऑफ 64। इस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64, तो आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैं इसे लिखूंगा ये सिंबल में डाल चुका हूं मैं, तो मुझे अब क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसके प्राइम फैक्टर कर लेता हूं। यहां पे एक और कॉपी है मेरे पास, आप एग्जाम में साइड में भी से उसी पेज पे कर सकते हैं। फैक्टर 2 3 6 2 2 4, 2 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, और 2 1 2। तो इस तरह से आपके ये प्राइम फैक्टर होते हैं। तो इसे सॉल्व करता हूं मैं, सिंबल का आप खास कर ध्यान रखें, जितने भी 64 के फैक्टर आए हैं वो आप यहां पे लिख लीजिए। ओके, आपके पास में क्या है, ग्रुप ऑफ 3 बने हुए हैं, यहां पर भी और यहां पर भी, यानी 3 3 के जोड़े हुए हैं। आप क्या करें, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसमें से एक आउट यानी बाहर, इसमें से एक आउट बाहर, तो आंसर क्या हो गया, 2 2 4। जो मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये ध्यान है, वो यहां पे भी क्यूब रूट का या स्क्वायर रूट का साइन लगा देते हैं। भाई आप ऑलरेडी पेयर बना चुके, ग्रुप्स बना चुके इसमें, तो उसमें से एक बाहर निकाला है तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इससे रिलीव हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। तो आपका फिर यहां पर सिंबल नहीं लगाना, नहीं तो गलत माना जाएगा। ठीक, इसी तरह से सेकंड पार्ट लेता हूं मैं, 512। इसका भी आपको क्या करना है, क्यूब रूट्स फाइंड करना है। यानी आप सबसे पहले क्यूब रूट फाइंड करने के लिए इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करता हूं मैं, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12। ओके, 2 2 4, 1 11, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, और ये आ गया 16। तो इस तरह से ये और ये मेरे पास, तो क्या फैक्टर आए, 2 2 2 2 2 2, फिर 2 2 2 2 2, और नेक्स्ट यहां पर लिख लेता हूं, तो ये बन गया ये और ये। ओके, अब आपको क्या है, फैक्टर तो निकाल लिया आपने, अब आपको सब क्यूब रूट फाइंड करना है। ध्यान दें, ओके, इसके फैक्टर कितने हैं ये आप इसके नीचे लिख दीजिए, 1 2 और ये 3। इस तरह से मैंने टूटने क्या हुए, ग्रुप ऑफ 3 तैयार किए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये किसके फैक्टर है, 512 के। इससे एक बार, यहां से एक आउट, यहां से एक, सब की मल्टीप्लाई 2 2 4 2 8, आंसर क्लियर। इसी तरह से इसके बाकी के जितने भी पार्ट हैं वो सब सेम टू सेम हैं, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है। मैथ्स है, दो पार्ट और रहते हैं, ये और आपको समझाता हूं। इस
10648 यह है आपका। मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं, तो फैक्टर करने के बाद आफ्टर फैक्टराइजेशन मुझे क्या मिलता है, 2 × 2 × 2 × कितना 11। ओके, जब आप फैक्टर करेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जिस तरह से ये आपको समझाया है, तो आपको ये फैक्टर मिलेंगे। आपको तो क्या निकालना है सर, क्यूब रूट निकालना है। और मैं कई बार कह चुका हूं सिंबल और पावर 3 कंपलसरी होगी क्यूब रूट में, या फिर आप ऐसे लिखें क्यूब रूट ऑफ 64 जहां जाके आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन अच्छा ये है। ओके, इसके फैक्टर कितने आए आपके पास, इसके फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 2 × 1 × 1। ओके, ग्रुप ऑफ 3 तैयार है आपका, इससे एक आउट, इससे एक आउट, 11 × 2 = 22। शॉर्ट होता चला जाएगा जब आपके फैक्टर बहुत अच्छे से आपको आते होंगे। नेक्स्ट, एक फिफ्थ पार्ट लिया है मैंने, इसका भी आप फैक्टर कर लीजिए। लास्ट में 5 है, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25। ओके, फिर 5 से डिवाइड हो गया, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 5, 5 × 10 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5। ओके, फैक्टर है तैयार, तो लिख दीजिए 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ×
आपको तो क्यूब रूट निकालना है, तो जो फैक्टर थे वो इसके नीचे रख दिए, पेयर्स बने हुए हैं यानी ग्रुप ऑफ थ्री बने हुए हैं, इससे एक आउट, इससे एक आउट, और आंसर क्या आ गया आपका 25। मैं इसे फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखें, क्यूब रूट फाइंड करना है, कोई भी नंबर या कोई भी क्वेश्चन हो आप उसके फैक्टर करें इस तरीके से स्मॉल यानी प्राइम फैक्टर। ओके, जब फैक्टर हो जाए तो आप उसे क्यूब रूट में लिख दीजिए, पेयर्स ग्रुप ऑफ थ्री बनाएंगे, उनमें से एक एक बाहर निकाल दीजिए। फिर से याद दिला देता हूं, यहां बाहर निकलने के बाद आप क्यूब रूट या स्क्वायर रूट किसी का भी सिंबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि यही मेथड आपका स्क्वायर रूट का है। वहां डबल बनते हैं पेयर्स, टू टू के या थ्री थ्री के। ओके, इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बाकी के पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ट्रू फॉल्स है, उसे आप अच्छे से रीड करें इस एक्सरसाइज से पहले, जो भी बुक में डेफिनेशंस या रीडिंग करें आप, वो सब आपको ट्रू फॉल्स वहां से मिलेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वो एक तरीके से एक्टिविटी बेस्ड हो गई। ये कहता है कि 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, बताएं बिना यानी विदाउट फैक्टराइजेशन बताइए आप कि क्या ये क्यूब रूट है। ओके, तो इसे हमने इस एक्सरसाइज से हटा दिया है। आपके केवल इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। 1 आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपके पास 4 पार्ट एक्सप्लेन किए गए हैं और 2 फॉल्स हैं। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है ट्रू फॉल्स से रिलेटेड तो आप मैसेज कर सकते हैं। इस तरीके से आज आपका चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स फिनिश होता है। नेक्स्ट जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स होगा। ओके, आप उसके अच्छे से रीडिंग कर लेंगे।
फॉर्मूले रिवाइज कर लेना जो सेवेंथ क्लास के। ओके, थैंक यू।